दो घंटे का टाइम है आपके पास। मैं आपको बताती हूँ। मेरी सारी रिकॉर्डिंग उसने कर ली थी, प्लीज मुझे उससे निजात दिलवा दें। ठंडा फोड़ेंगे। दिखाओ कौन सा इसको पकड़ो। नीचे नीचे। खुफिया ऑपरेशन के साथ मैं हूँ आपका मेजबान अब्दुल्ला जमाल। हम अपने हर प्रोग्राम में किसी न किसी मुजरिम को बेनकाब और बुराई का पर्दाफाश करते हैं। आज भी हमारी टीम ने एक ऐसे ही गिरोह के खिलाफ फैसला किया है खुफिया ऑपरेशन का, जिसके कारिंदे गली गली मौजूद हैं और मासूम अवाम की जिंदगियों से खेल रहे हैं। मोहब्बत में नाकामी हो या रिश्ते में परेशानी, सौतन का झगड़ा हो या फिर इम्तिहान में कामयाबी का मसला, नौकरी के हुसूल से लेकर कारोबार में तरक्की तक, जिन्नात से निजात, दुश्मनों का सफाया, इन तमाम मसाइल का हल करने वाले आमलीन कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में गली गली मौजूद हैं। शहर की दीवारों पर इनके इश्तहारात जा बजा दिखाई देते हैं। ये आमलीन परेशानियों में घिरे अवाम बिलखसूस खवातीन को अपना निशाना बनाते हैं और लाखों रुपए बटोरते हैं, लेकिन ये मामला यहीं तक महदूद नहीं। बेशतर आमिल खवातीन की आबरू रेजी में भी मुलव्वस पाए गए हैं। सादा लौह खवातीन घरेलू परेशानियों से तंग आकर इन आमिलीन से राब्ता करती हैं, जो इनसे पैसे भी बटोरते हैं और इज्जत भी। कराची में गार्डन के रहायशी अब्दुल गनी को भी जाली आमिल ने ऐसी धुनी दी कि उसकी रूह कफसे अंसरी से परवास कर गई। आमिल तो गिरफ्तार हो गया, लेकिन अब्दुल गनी की रूह उसके जिस्म में दोबारा कैद न हो सकी। हद तो यह है कि इन आमलों के हाथों कई लोग अपनी जानें भी गंवा चुके हैं। इसकी एक मिसाल चिराग पूरा की 16 साला हुमैरा है, जिसे जिन निकालने के लिए एक आमिल के पास ले जाया गया। जाली आमिल रियासत ने छुरी गर्म करके हुमैरा का जिन निकालने की कोशिशें की। जिन तो नहीं निकल सका, लेकिन जान निकल गई। जान लेने के बाद भी आमिल रियासत हुमैरा के लवाहिकीन को धमकियां भी देता रहा। ऐसा ही एक हादसा लाहौर की जीनत के साथ भी हुआ, जब उसका जिन निकालने के लिए घरवाले फैसलाबाद में एक आमिल के पास ले गए। आमिल ने जीनत को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, डंडों से पिटाई की। इस तशद्दुद के नतीजे में बेचारी जीनत भी अपनी जान गंवा बैठी। जीनत और हुमैरा तो सिर्फ एक मिसाल है, पाकिस्तान में ऐसी हजारों खवातीन हैं जो जाली आमिलों का निशाना बन चुकी हैं और आज तक बन रही हैं। खुसूसन कराची में ये आमिल कसरत से मौजूद हैं। बदअकीदा लोग, खुसूसन खवातीन, इन जाली आमिलों के हाथों खिलौना बन चुकी हैं। जब दिल चाहते हैं जो करते हैं, वो भी अपनी मनपसंद शराइत पर। ऐसे ही जाली और धोखेबाज आमिलों के खिलाफ हमारी टीम ने फैसला किया है एक खुफिया ऑपरेशन का। ये जाली आमिल अपना धंधा निहायत होशियारी से करते हैं, इसीलिए टीम खुफिया ऑपरेशन ने बनाया इन जाली आमलों के खिलाफ एक मास्टर प्लान। खुफिया ऑपरेशन की टीम ने खिदमात ली है एक ऐसी लड़की की जो मुश्किलात में घिरी एक औरत के रूप में जाली आमिल से राब्ता करेगी और फिर खुफिया कैमरे से उस आमिल के कारनामे रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। खुफिया ऑपरेशन की टीम को इतला मिली एक ऐसी ही जाली आमिल की जो मुश्किलात में घिरी औरतों से ना सिर्फ पैसे बटोरता है बल्कि उनको अपनी हवस का निशाना भी बनाता है। इसके खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए हमने अपनी टीम मेंबर को इस जाली आमिल के पास भेजा। ये हमारी टीम मेंबर इस जाली आमिल से होने वाली तमाम गुफ्तगू खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड करेगी। बाबा रमजान बात हैं आप? हाँ, वो किसने भेजा है? मुझे सायरा ने भेजा है, मुझे अपने हस्बैंड के सिलसिले में कुछ बात करनी है आपसे। आपको क्या बात करनी? मुझे उन्होंने बताया था कि आप कुछ दम दुरूद करते हैं कुछ इस तरह की। मुझे थोड़ा सा, मेरे हस्बैंड ने दो शादियां की हैं तो उस सिलसिले में कुछ बात करनी थी। नहीं नहीं, मैं कोई दम दुरूद नहीं करता। देखिए बाबा जी, मुझे पता है आप करते हैं, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। नहीं नहीं, मैं कोई सारा को नहीं जानता। आप जाएं 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 यहां से, आप जाएं। जाली आमिल बाबा रमजान ने हमारी टीम मेंबर को मिलने से इनकार कर दिया। हमारी पहली कोशिश नाकाम हुई, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और जाली आमिल बाबा रमजान का पर्दाफाश करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखी।
कई बार कॉल करने और यकीन दहानी करवाने के बाद बाबा रमजान आखिरकार मुलाकात के लिए राजी हो गया। इस जाली आमिल ने हमारी खुफिया मेंबर को मुलाकात का वक्त दे दिया। आया था ना फोन पे कि क्या मसला है। जी जी, मेरे शौहर है, उन्होंने दो शादियाँ की हुई हैं। उसने अपनी पहली बीवी को तो भुला ही दिया है, दूसरी बीवी का साथ रहता है, उसे सारे ऐशो आराम दिए हुए हैं। मेरी सास भी उसकी तरफ हो गई है। मैं बस चाहती हूँ कि मेरा शौहर मुझे वापस मिल जाए, लेकिन मैं जान दे सकती हूँ। मैं जान दे सकती हूँ अपने शौहर के लिए, मुझे बस मेरा शौहर वापस चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समरा है। आपकी वालदा का नाम? मैं वालदा का नाम सुमेरा। आपके शौहर का क्या नाम? शौहर का नाम हमजा है। तो इसके लिए ये है कि मुझे दिन रात की पढ़ाई करनी पड़ेगी, और इसके लिए मुझे एक बकरा चाहिए होगा और 10,000 रुपये चाहिए होंगे, और उसके बाद ये आपके जो नाम चाहिए होगा मुझे। क्या चाहिए होगा मुझे अमल करने के लिए? वो कहाँ से लाएंगे बाबा? वो तो आपके साथ कोई और हल नहीं है बाबा इसका। अभी आप खुद ही बोल रही हैं कि मैं जान दे सकती हूँ, तो इतनी सी बात आप नहीं मानती। लेकिन कोई और हल? और कोई भी हल नहीं है, ये है कि आप यहाँ से आप जाएंगी ना तो ये उल्टा ही चलेगा। अभी जो है शोर आपके थोड़ा बहुत आपके जो है अख्तियार में, वो भी आपके बिल्कुल ही खराब हो जाएगा और आपको छोड़ देगा। लेकिन क्यों, मैं तो आपके पास मदद मांगने आई थी ना। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि मुझे जो है ना अमल करना पड़ेगा, मुझे अमल चाहिए होगा। कोई और हल इसका फिर देख लें, कोई और हल हो। कोई और नहीं है, मैं आपसे यही अब कह रहा हूँ कि मुझे उससे ये अमल होगा, और उसी से जो है ना ये आपकी ज़िंदगी दोबारा से जो है आपका शोहर आपके जो है ना साथ सही चलेगा। अगर आपने ये काम करवाना है तो सही है, अगर नहीं करवाना तो फिर आप जाए। ये है कि मुझे मगरिब से पहले पहले 2 घंटे मेरे पास ढांचा बनाना है मुझे, तो मगरिब से पहले पहले आप मुझे बता दें और घर पे बता के आ जाए आप। तुमने जो है ना बार बार फ़ोन किया है, मुझे बताया है कि इसीलिए परेशान हो। जब भी मैंने जो है ना मान ली आपकी, तो मैं किसी की बात नहीं सुनता। गंदा काम ऐसे नहीं होता, उसके लिए जो है ना कुर्बानी देनी पड़ती है। तो आपने खुद ही तो बोला कि मैं जान दे सकती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, 2 घंटे का टाइम है आपके पास। अगर मैं ऐसा करूँगी मेरा शौहर मुझे मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा, उसको गुस्सा बना दूँगा, बिल्कुल आपके पीछे भी चेक दूँगा। ठीक है, मैं आती हूँ 2 घंटे बाद आपके पास। आखिरकार टीम खुफिया ऑपरेशन ने पहली कामयाबी हासिल कर ली। बाबा रमजान ने हमारी खुफिया मेंबर से मुलाकात कर ली। नकाब के पीछे छिपे हुए इस भयानक चेहरे को देखिए। इस दरिंदे ने न सिर्फ पैसों का तकाजा किया है, बल्कि एक ऐसा मुतालबा भी किया है जिसे पूरा करना किसी भी शरीफ औरत के लिए मुमकिन नहीं। लेकिन इस जाली आमिल ने साथ ही साथ धमकी भी दी है कि अगर इसके तमाम मुतालबात पूरे ना किए गए तो इसकी जिंदगी में मजीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। यहाँ से आप जाएंगे ना तो ये उल्टा ही चलेगा। अभी जो शोर आपके थोड़ा बहुत आपके जो है अख्तियार में, वो भी आपके बिल्कुल ही खराब हो जाएगा और आपको छोड़ देगा। नकाब पोश घटिया आमिल को शायद ये बात मालूम नहीं कि अब इसकी जिंदगी मुश्किलात में घिरने वाली है, क्योंकि टीम खुफिया ऑपरेशन ने इसका पर्दा फाश करने का तहिया कर लिया है। बाबा रमजान ने हमारी खुफिया मेंबर से दावा किया है कि अगर उसने तमाम मुतालबात मान लिए तो उसका शोहर कुत्ता बनकर रहेगा। लेकिन बाबा रमजान को शायद ये बात मालूम नहीं कि बहुत जल्द उसका यही हाल होने वाला है। तो आपके नकाब पोश आमिल बाबा रमजान ने
हमारी टीम मेंबर से अपनी तमाम तर ख्वाहिशात का इजहार कर दिया। हमारी खुफिया मेंबर ने बाबा रमजान से कुछ वक्त मांगा ताकि फौरी आमादगी पर बाबा को शक ना हो जाए। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बाबा मैं तैयार हूँ, आप बता दें मुझे कहाँ पर आना है। आगे मैं आने भी हूँ। वहीं पर जहाँ अभी दो घंटे पहले आई थी मैं। जी जी वहीं पर बैठा हूँ। जी ठीक है मैं आ रही हूँ। एक बात फिर हम आपको बताते चले, हम जिस जगह मौजूद हैं यहाँ में कोई नहीं जानता, हम किसी को नहीं जानते। ये उस आस्थाने से सिर्फ आधा किलोमीटर दूर जगह पर है जहाँ पर आमिल ने हमें बुलाया है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। जिस तरह हम बाबा को बेनकाब करने की कोशिश कर रहे हैं, उस आमिल को हो सकता है वो आमिल हमें फंसाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन हम पुरअज़म हैं, हमारे साथ हमारी पूरी टीम है, हमारी टीम मेंबर बहुत बहादुर है, हम उसके साथ साथ हैं और कुछ ही देर में उस बाबा को आपके सामने बेनकाब कर देंगे जो औरतों को अपनी हवस का निशाना बनाता है। हमारी खुफिया मेंबर ने बाबा रमजान की तमाम ख्वाहिशात पूरी करने की हामी भर ली है। बाबा रमजान ने हमारी खुफिया मेंबर को अपने आस्थाने पर बुलाया है। टीम खुफिया ऑपरेशन अपने मिशन पर रवाना हो चुकी है। हम जा रहे हैं बाबा रमजान के आस्थाने पर जहां वो अपनी हविस पूरी करने के लिए हमारी खुफिया मेंबर का मुंतजर है। जी मैं तैयार हूँ। मैं पैसे भी लाई हूँ, बकरा आप ले आओ और जो आप बोल रहे हो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। मैं इसके पास अपनी मजबूरी लेकर आई है, मेरे साथ जबरदस्ती करने की सोच रहा था। तुम्हें शर्म नहीं आती इस बिराने में इस लड़की को यहाँ पर बुलाया हुआ है? झूठ बोलता है। बच्ची को इतना दूर लाते, ये लाकर कौन सा है, कितना दूर है, यहाँ तुम इसको अकेले यहाँ बुलाया हुआ है? तुम कौन सा इंकार करते हो मुझे ये बताओ, तुम कौन सा इंकार करते हो, कौन सा इंकार करते हो मुझे ये बताओ, कौन सा इंकार चाहिए? काला इंकार चाहिए। क्या चाहते हैं? इसने मुझे ऐसी बात की है कि मैं बता नहीं सकती। मुझे चेहरा दिखा तुम्हारा, हटाओ अपने हाथ से, हटाओ, मैं अपने हाथ से देखूंगा ना। देखिए इस शख्स को, हम बताते हैं इसने क्या क्या मंगवाया था, क्या बोला था, क्या मुतालबात किए थे, क्या कहा था इसने आपसे? इसने मुझे कहा कि मुझे 20,000 रुपए चाहिए, बकरा चाहिए और तीसरी एक ऐसी शर्त इसने रखी जो मैं आपको बयान नहीं कर सकती। उसके लिए मुझे करीब बुला रहा था। हम यहाँ पर इस बाबा को बेनकाब कर चुके हैं जो अखलाकी गिरावट में इतना गिर चुका है कि जब यहाँ पर हम इसके पास ऐसे पूछा है, इसने उसी लड़की को इस वीरानी में बुलाया, हमारी टीम मेंबर को, और यहाँ पर कहता है ये मेरी बहन बेटी जैसी है, ये कितनी अखलाकी गिरावट है, मेयार से गिरी हुई हरकत है। बाबा तुम्हें शर्म नहीं आई? क्या तेरा नाम? पहले नाम क्या तेरा? रमजान। रमजान नाम है। तुम्हें पता है तुमने किसको बुलाया था यहाँ? आज से पहले कितनी लड़कियों को बुलाया है? मैंने किसी को नहीं बुलाया है, ये झूठ है। ये झूठ है? इसको किसने बुलाया था मुझे ये बताओ, इसको किसने गलती, बुलाया था? गलती हो गई। नहीं, इसको यहाँ किसने बुलाया था बताओ? गलती हो गई, माफ करना। बोलो किसने बुलाया था? गलती हो गई, माफ। इससे पहले कितनी लड़कियों को बुलाया है? मैंने किसी को नहीं बुलाया। यहाँ पहली लड़की है ये? ये पहली। ये तुम्हारी बहन बेटी है? बहन बेटी। तुम इसको बहन बेटी बोलते हो? गलत बात करते वक्त मैं तेरी बहन बेटी नहीं। क्या सोच के बुलाया था इसको यहाँ पर? तुम्हें गलती हो गई। तुम्हारे तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे पे क्या हुआ है? ये बस अल्लाह की तरफ से। उसके बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आई? गलती हो गई। नहीं, तुम्हें शर्म कब आएगी? आप अपने सामने देख सकते हैं हमने बाबा को किस तरह बेनकाब किया है। इसको अब हम पुलिस के हवाले करेंगे, पुलिस इससे जो बर्ताव करे, जो रवैया रखे, जो केस बनता है ये हवालात में जाए। ये हवस का मारा जो इस्तेसाल करता है, लोगों को बेवकूफ बनाता है। खुफिया ऑपरेशन की टीम ने
ये अहद किया था कि आज इस बाबा को बेनकाब करेंगे। हमने अपनी टीम मेंबर को भेजा, उसने खतरा लिया, हिम्मत दिखाई, यहाँ पर खुफिया कैमरे से शूट की और आपके सामने सारी चीजें लाकर रख दी कि आप फैसला करें कि इन लोगों का क्या अंजाम होना चाहिए। खुफिया ऑपरेशन की टीम इन्हें सजा नहीं दे सकती, लेकिन सच आपके सामने ला सकती है। वो इनको पकड़ नहीं सकती, लेकिन ऐसे लोगों को कानून की गिरफ्त में लाने में मदद कर सकती है। और आपको अब ये फैसला करना होगा कि आया इन लोगों को चुनना है या उन लोगों को चुनना है जो माशरे के लिए सही काम करते हैं, वरना फिर ऐसे लोग, ऐसे दरिंदे, वैसी दरिंदे इंसानियत से गिरते रहेंगे और इस पूरे शहर की माओ बेटियों को बेवकूफ बनाते रहेंगे। टीम खुफिया ऑपरेशन ने आखिरकार इस जाली आमिल को बेनकाब कर दिया। इस नकाब के पीछे छुपे हुए भयानक चेहरे को देखिए। इस भयानक चेहरे को देखकर कोई भी इंसान बेइख्तियार चीख सकता है, लेकिन ये जाली आमिल अब तक न जाने कितनी जिंदगियों से खेल चुका है, न जाने कितनी ही खवातीन को अपनी हविस का निशाना बना चुका है। लेकिन टीम खुफिया ऑपरेशन ने आज इस आमिल का पर्दाफाश कर दिया है। खुफिया ऑपरेशन की टीम इस आमिल को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जा रही है, जहां जेल की सलाखें इसका मुकद्दर होंगी, क्योंकि ऐसे दरिंदों को अवाम की जिंदगियों से खेलने के लिए खुला नहीं छोड़ा जा सकता। खुफिया ऑपरेशन की टीम ने जाली आमिल बाबा रमजान को जेल की सलाखों के पीछे भिजवा दिया है, लेकिन बाबा रमजान जैसा एक और आमिल है जो ना सिर्फ औरतों की इज्जतों से खेलता है, उनसे पैसे बटोरता है और ऑडियो रिकॉर्ड करके उन्हें ब्लैकमेल भी करता है। ऐसे ही आमिल के खिलाफ खुफिया ऑपरेशन की टीम करेगी खुफिया कार्रवाई, लेकिन एक ब्रेक के बाद। प्लीज मुझे इससे निजात दिलवा दें। भांडा फोड़ेंगे। दिखाओ कौन सा हेलमेट, कौन सा है, इसको पकड़ो। नीचे नीचे। मेरी सारी रिकॉर्डिंग उसने कर ली थी, प्लीज मुझे इससे निजात दिलवा दें। भांडा फोड़ेंगे। दिखाओ कौन सा हेलमेट, कौन सा है, इसको पकड़ो। नीचे नीचे। खुफिया ऑपरेशन की टीम से राब्ता किया एक मजलूम औरत ने, जो अपनी मजबूरी लेकर इस जाली आमिल के पास गई और खुद मजबूर हो गई। इस जाली आमिल ने ना सिर्फ उससे पैसे बटोरे, बल्कि ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद मुसलसल ब्लैकमेल भी कर रहा है। ये है वो मजलूम औरत जिसने अपनी बेवकूफी से अपनी और अपने खानदान की इज्जत दांव पर लगा दी। ये औरत एक जाली आमिल के पास गई, जाली आमिल ने उस औरत की खुफिया रिकॉर्डिंग कर ली और अब मुसलसल उसे ब्लैकमेल कर रहा है। जाली आमिल से निजात हासिल करने के लिए इस मजलूम औरत ने मदद मांगी है टीम खुफिया ऑपरेशन से। इंसान जब गिरता है तो उसकी कोई हद नहीं होती, बल्कि ये लोग तो इंसान कहलाने के भी काबिल नहीं। एक और ऐसा वाकया हमारे सामने आया है जो बहुत ही अजीब है। पहले तो ये आमिल लोग खवातीन को अपनी हवस का निशाना बनाया करते थे, लेकिन अब इस हद तक गिर गए हैं कि उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, यानी कोई अपना मसला उनके पास लेकर जाए, वो उसकी रिकॉर्डिंग करके उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। खुफिया ऑपरेशन की टीम से एक नहायत ही मजबूर खातून ने रابطہ किया और अपना माजरा बताया कि किस तरह उन्हें एक आमिल बेवकूफ बना रहा है। वो अपनी शिकायत आमिल के पास लेके गई कि उनका शौहर उन पर जुल्म करता है, उन पर शक करता है। यहाँ अजीब बात ये हुई कि उस आमिल ने उनकी रिकॉर्डिंग करके उसी औरत को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। चूंकि वो खातून अपनी शिनाख्त जाहिर नहीं कर सकती, इसलिए हमने उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए एक तो उन्हें बुरका भी पहनाया है और उनकी आवाज़ भी तब्दील की है। हमारे साथ वो औरत इस वक्त मौजूद है, वो मजबूर खातून जो अपनी शिकायत लेकर आई है उस आमिल की। आप का आमिल से रابطہ कैसे हुआ? मैंने उनसे फ़ोन पे रابطہ किया था, एक तावीज़ के लिए मैं गई थी, तावीज़ उसने दिया, मगर उसने कहा कि अब मेरी सारी रिकॉर्डिंग उसने कर ली थी। मैंने फ़ोन पे उससे रابطہ किया था, तावीज़ कह रहा था मैं आपको दे दूंगा। मुझे शाह लतीफ़ टाउन में बुलाया, मैं वहाँ गई तो वहाँ पे भी नहीं मिला। फिर मुझे सरजानी में बुलाया है और अब मैं सरजानी नहीं जाना चाहती, क्योंकि उसने मुझे इतना ब्लैकमेल किया है। मेरी सारी रिकॉर्डिंग उसके पास है और उसने कहा अब मैं तुम्हारी शौहर से तलाक करवाऊंगा, बस प्लीज़ मुझे उससे निजात दिलवा दें। मैं पुलिस के पास ये मामला लेके नहीं जाना चाहती, बस ये रिक्वेस्ट है मेरी समा की टीम से कि मेरी हेल्प करें। मैं नहीं चाहती कि मैं उस आमिल के पास दोबारा जाऊँ और या मेरी कोई भी रिकॉर्डिंग उसके पास मौजूद हो। मुझे तकरीबन मैंने अच्छी खासी से रकम दे दी है, मगर वो मेरा काम नहीं करता, बस मुझे ब्लैकमेल करता है। और है ना, मेरी भी उसके पास रिकॉर्डिंग मौजूद है और तावीज़ तो दिया था, कह रहा था ये तावीज़ इसलिए दे रहा हूँ कि तुम्हारी तलाक हो जाए और मैं तुम्हारा घर बर्बाद करके रहूँगा अगर तुमने मेरी डिमांड पूरी नहीं की तो।
वो क्या डिमांड कर रहा है आपसे? बस मैं आपको बता नहीं सकती, उसने जो डिमांड की है मैं बयान नहीं कर सकती, जो एक औरत के लिए काबिले कबूल नहीं है ये बात। हर आदमी मजबूत नहीं होता, मेरे पर भी 10 वक्त आए, आप पे भी आए होंगे, अमूमन हर किसी पे ही आते हैं मुख्तलिफ, अल्लाह ताला की ज़िंदगी जो दी हुई होती है उसमें ऊंच नीच आती रहती है, लेकिन लोग जो है जो मजबूत होते हैं वो उन चक्रों में नहीं पड़ते, लेकिन वो एक मिसाल देते हैं डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत, तो वो उस वक्त उस धोखे में उस झांसे में आ जाते हैं, और उस झांसे में धोखे में आने के बाद वो इस कदर डूब जाते हैं कि फिर वो समझ तो जाते हैं पर निकल नहीं पाते, क्योंकि फिर ब्लैकमेल हो जाते हैं। इस मजलूम औरत की फरियाद सुनने के बाद खुफिया ऑपरेशन की टीम ने फैसला किया है कि हम इस मजलूम औरत के साथ जाएंगे और इस जाली आमिर से निजात दिलाने में इसकी भरपूर मदद करेंगे। जी हेलो, जी आप बताएं मैं आ गई हूँ, आप कहाँ हैं? नहीं साथ कोई नहीं आया, टैक्सी में हैं अभी हम। जाली आमिल ने इस मजलूम औरत को स्टील टाउन में एक सुनसान जगह पर बुलाया है। जाली आमिल ने इस औरत को झांसा दिया है कि अगर इसने आमिल की तमाम ख्वाहिशात को पूरा कर दिया तो वो उसे रिकॉर्डिंग वापस कर देगा। हमारी टीम इस मजलूम औरत के साथ उस सुनसान मुकाम की जानिब रवाना हो चुकी है जहां हम उस जाली आमिल के खिलाफ करेंगे खुफिया ऑपरेशन। हम आपको बताते चलें कि उस घटिया आमिल ने उस मजबूर खातून को स्टील टाउन में एक बहुत ही सुनसान जगह बुलाया है। चूँकि हम इस वक्त गाड़ी में हैं और गाड़ी वहाँ ले जाएंगे तो उन्हें शक ज़रूर होगा और भागना जाए, इसलिए हम उस मजबूर खातून को जो वहाँ पर जा रही है, जो वो ब्लैकमेल कर रहा है, उसको एक माइक दे रहे हैं ताकि उनके दरमियान जो गुफ्तगू हो सके वो हम सुन सकें। आज इस ब्लैकमेलिंग को रोकेंगे और उस खातून की फरियाद के ज़रिए रोकेंगे, उसको ये हम माइक दे रहे हैं, वो माइक लगाएंगी और उनके दरमियान जो भी गुफ्तगू होगी वो हम सुन सकेंगे। जैसे ही वो गुफ्तगू हम सुनते हैं और वो कुछ बोलता है, हमारी खुफिया ऑपरेशन की टीम फौरन जाएगी और उसे पकड़ लेगी। जाली आमिल के पास जाने से पहले हमने उस औरत को माइक लगा दिया है ताकि आमिल और उस औरत के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को सुन सके। ये एक बेहद सुनसान और खतरनाक इलाका है, मुमकिन है यहाँ जाली आमिल के मजीद कारिंदे भी मौजूद हों जो मुसल्लह भी हो सकते हैं। ये एक खतरनाक खुफिया ऑपरेशन है क्योंकि हम बगैर किसी सिक्योरिटी एहलकार के एक वीरान इलाके में मौजूद हैं। हम उस टीम मेंबर को उस खातून के साथ भेज रहे हैं कि अल्लाह ना करे अगर कोई ऊंच नीच होती है तो उस खातून को वहां से बाहर निकाल के लिया है। हमने माइक भी दे दिया है, माइक उनके लगा हुआ है, उनकी पूरी बातचीत हम सुन सकते हैं और जैसे ही कुछ वहां से हमें सिग्नल मिलता है हम फौरन वहां जाएंगे और उस आमिल को आपके सामने बेनकाब करेंगे। जहन में रखिए, बताता चलूं कि खुफिया ऑपरेशन की टीम एक बहुत बड़ा रिस्क ले रही है, हमारे पास सबूत हैं, हमारे पास शवाहिद हैं, एक एक चीज़ है, लेकिन हम अकेले जाने इसलिए चाहते हैं ताकि उनको खबर ना पड़े, हम उसको आदरें, उसको बेनकाब करें। हाँ, आप जैसे ही वहाँ पहुँचेंगी हम गुफ्तगू सुनेंगे, कोई भी ऊंच-नीच होती है हम आपके बैकअप में मौजूद हैं, फौरन वहाँ पहुँच जाएं। ब्लैक मेलिंग की शिकार औरत को माइक लगाकर जाली आमिल के पास भेज दिया गया है। अब हम उस औरत और आमिल के दरमियान होने वाली गुफ्तगू सुनेंगे और मुनासिब मौका पाते ही जाली आमिल को अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। इस कार्रवाई का रद्देअमल काफी खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि हमें नहीं मालूम कि जाली आमिल के कितने साथी हैं और कहां कहां छुपे हुए हैं। आप इसे पैसे लेके आई हो? जी बाबा, मगर आप पहले मेरी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दें मोबाइल में से, मेरे शोहर को कुछ नहीं बताइएगा अल्लाह के वास्ते, मैं बस बहुत मजबूरी में यहाँ आई हूँ। सभी मजबूर हैं इस टाइम, बात यह है कि पैसे दोगी तो तुम्हें वापस कर देंगे। पैसे तो मैं दे दूँगी मगर पहले आप मेरे सामने वो रिकॉर्डिंग डिलीट करें, मैं नहीं जानती बस। वो मैं तुम्हें दे दूँगा, उससे परेशान नहीं, तुम्हारा शोहर बेहतर हो रहा नहीं हो रहा? अब आप मेरी वो रिकॉर्डिंग वगैरह डिलीट कर दें, मेरा शोहर तो बेहतर हो रहा है मगर बस वो चीज़ें आप डिलीट कर दें। भाई तुम्हारे शोहर की वजह से तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, यहाँ मैं क्यों बैठा हूँ? आपको सब देख रही है, ये बना रहा हूँ उसी के लिए धागा, तुम्हें मैं अभी इसमें मैं ये लौंग लगा के देता हूँ, ये उसके जाके पाँव में बांध देना। मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द कर दूँगी, आप बस इतना रहम करें मुझ पर कि बस वो चीज़ें डिलीट कर दें। हम मुस्तकिल उस आमिल की गुफ्तगू सुन रहे थे और वो बहुत देर से उस औरत को ब्लैकमेल कर रहा है। अब हम जाके उस आमिल के पास जा रहे हैं, उसको बेनकाब कर रहे हैं, उसका भांडा फोड़ रहे हैं। हम उसकी जानब जा रहे हैं, हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, कहीं उस आमिल को शक ना हो जाए, वो हमें देख के दूर से भाग रहे हैं। हम उसकी जानब रवा दवा है, वो उधर हम आप देख सकते हैं, हम उस आमिल के करीब पहुँच चुके हैं और आज उसका भांडा फोड़ेंगे। क्या सिखा रहे हो उसको?
अरे बैठो, ये तुम्हारे साथ है? कौन सा फिल्म सिखा रहे हो इसको? ब्लैकमेलिंग का फिल्म सिखा रहे हो? भाई तुम मेरे इलाके में खड़े हो, इधर बात। तुम्हारे साथ और कितने लोग हैं? कितने लोग हैं तुम्हारे साथ? अभी बुला लेता हूँ मैं। बुलाओ उन्हें, बुलावा सब पे निकाल दूंगे। मोबाइल दो। मोबाइल नहीं है। मोबाइल निकाल। अरे मोबाइल मोबाइल मेरे पास नहीं है। इसका मोबाइल निकालिए, इसका मोबाइल क्या है? वो मोबाइल निकालिए जिससे ये ब्लैक मेल। मेरे पास ये मोबाइल है। निकाले अपना मोबाइल। वो नहीं है मेरे पास। अपना मोबाइल मोबाइल नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। देखो देखो आगे पीछे आप देखिए, कोई है तो नहीं? क्या है तुम्हारे और कौन लोग हैं? तुम्हारे साथ कितने लोग हैं? अभी आ जाते हैं बंदे। लाओ तुम ये लो फोन, चेक तुम वाला दो मेरे को। कौन सा मोबाइल है? वो वाला फोन दो। मोबाइल को चेक कीजिए, इस मोबाइल को चेक कीजिए। गुफ्ती ऑपरेशन की टीम ने आमिल को रंगे हाथों पकड़ लिया है और उसके मोबाइल भी अपने कब्जे में ले लिए हैं। इस जाली आमिल के पास मौजूद ये सामान देखिए। इस सामान से साफ जाहिर है कि ये जाली आमिल काले इल्म में मुलव्वस है। आमिल के खिलाफ कार्रवाई के लिए खुफिया ऑपरेशन की टीम पुरअज़म है, लेकिन चाल उल्टी भी पड़ सकती है। देखिए एक ब्रेक के बाद यहाँ पर कौन सा इल्म सिखाते हो? बुलाओ तो हमें भी पता चले। दिखाओ कौन सा, कौन सा, इसको पकड़ो, निकल जा। हम नीचे नीचे जाइए इसके पीछे। हम यहाँ मजीद बहुत देर तक नहीं रुक सकते। हर स्टेज के लिए कह रहा हूं, जब भी कभी कोई ब्लैकमेल करे उसके हाथों ब्लैकमेल ना हो, वरना इतनी बड़ी तबाही में चले जाओगे। कोई भी हो, लड़का हो, लड़की हो, आदमी हो, माँ हो, बाप, कोई भी हो जो ब्लैकमेलिंग में आ गया ना किसी के, वो तबाह और निस्तो नाबूद और बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर कौन सा फिल्म सिखाते हो? बुलाओ तो हमें भी पता चले। कौन सा, कौन सा, इसको पकड़ो, जाइए इसके पीछे। ये कहाँ फरार हुआ है? नीचे नीचे निकल। हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमारा और हमारी टीम का यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। यहाँ हम खामोशी से जा रहे हैं, उसके बंदे यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं अंधेरे का फायदा उठा के झाड़ियों में वो भाग चुका है, वो फरार हो चुका है। हम यहाँ मजीद बहुत देर तक नहीं रुक सकते, लेकिन हमारे पास इसके मोबाइल आ गया है और ये जो इल्म सिखा रहा था, कौन सा इल्म था? आइए देखिए ये क्या चीज़ है। ये देखें, ये कौन कौन सी चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं? फायरिंग की आवाज़ हम मुस्तकिल सुन रहे हैं। हमारी टीम खतरे में है, यहाँ से जल्द निकलने की कोशिश में है, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। नहीं, हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। हम वापस जाएंगे और इस हकीकत को सबके सामने आश्कारा करेंगे कि यह आमिल जो ब्लैकमेल करते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं, ये मुसल्ला मुलजमान हैं जो किसी भी वक्त किसी के लिए भी नुकसानदेह हो सकते हैं। इससे पहले कि हमारा कोई साथी इस फायरिंग की जद में आए, टीम खुफिया ऑपरेशन ने वहां से निकलने में ही आफियत समझी। लेकिन ये हमारी कामयाबी है कि इस मजलूम औरत की रिकॉर्डिंग वाले जाली आमिल के मोबाइल हमारे हाथ लग चुके हैं। जाली आमिल फरार हो चुका है, लेकिन इस मजलूम औरत को ब्लैकमेलिंग से निजात मिल गई है। वो आपसे क्या कह रहा था मुस्तकिल? मेरी रिकॉर्डिंग, उसने मेरी रिकॉर्डिंग कर ली थी और मुझे है ना ब्लैकमेल कर रहा था। कभी मुझे सरजानी का एड्रेस देता था, कभी शालतीब टाउन का। मैं मजबूर होके फिर भी इस इतनी घने जंगल में ये भी सन्नाटा। जब आपने उसको अपना मसला बताया तो उसने क्या कहा? उसने कहा ठीक है मैं दे देता हूँ, तुम पैसे लेके आओ, मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग वगैरह सब डिलीट कर दूंगा और दे दूंगा। मुझे ताबीज़ दिया था उसने और है ना उससे बेहतरी की तरफ तो आ रहे थे, मगर ये है कि मुझे ब्लैकमेल वो ज़रूर कर रहा था। इसी सब चीज़ों के खातिर मैं यहाँ आई थी। अभी उसने मुझसे 50,000 का मुतालबा किया था, मैं कहाँ से लाऊँ? मैं खुद मजबूर थी, मेरे बस मेरी रिकॉर्डिंग उनसे डिलीट करवा दें। मैंने बच्चियों की मैं क्या बात करूं, माँ बाप खुद अपनी बेटियों को ले लेकर के जाते हैं। इतने गुनाहगार हैं, इतने गुमराह हैं माँ बाप कि उन्हें समझ में नहीं आती। और माँ खुदा को खुदाई से हटा करके उस आमिल को खुदा बना करके बैठे होते हैं कि नौज़बिल्ला तौबा कि वो कुछ इनकी बेटी के लिए भला कर देगा। उसको डॉक्टर को नहीं दिखाते, उसको आमिलों को दिखाते हैं उसको। तो फिर ये सारी तबाही तो हम खुद अपने हाथों ले रहे हैं, हम किसको शिकायत करेंगे? अब हमें सोच तो है, अब उस पर अमल करने की ज़रूरत है। असल में बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हमारे अंदर बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत ज़्यादा दबाव, माशरे का दबाव, घरेलू दबाव,
पैसों की परेशानियाँ, तालीम की परेशानियाँ, बच्चों के मसले मसाइल, वो इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में डाल देते हैं। अब बाज़ा का जब इंसान स्ट्रेस में चला जाता है तो उसके पास कोई ऐसी जगह नहीं होती जहाँ पर वो स्ट्रेस को अपने निकाल सके। जब वो स्ट्रेस को नहीं निकाल सकता तो क्योंकि हमारे माशरे में नफ्सियाती अमराज के मौलजीन कम हैं और इनके बोर्ड हमें ज़्यादा नज़र आते हैं इस किस्म के आमिलों के। जब इस किस्म के आमलों के बोर्ड नज़र आते हैं तो क्योंकि वो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, कम तालीम याफ्ता होते हैं, इसलिए आसानी से उनको जाके वो रुजू कर लेते हैं। जब वो आसानी से जाके उनको रुजू करते हैं तो वो लोग अपनी गुफ्तगू के ज़रिए और अपनी बातों के ज़रिए उनको अपने चंगुल में आसानी से फंसा लेते हैं। जब वो आसानी से फंस जाते हैं तो उनको वो ये दावा भी देते हैं कि जनाब हम आपका ये मसला हल कर देंगे। खुफिया ऑपरेशन की टीम ने किया जाली आमिलों का पर्दाफाश और रमजान नामी जाली आमिल को भिजवाया जेल की सलाखों के पीछे। और दिलवाई एक मजलूम औरत को निजात जो मुसलसल शिकार हो रही थी इस जाली आमिल की ब्लैकमेलिंग का। अगर आपके इर्द गिर्द भी हो रही है इस तरह की कोई मुजरिमाना कार्रवाई जिसके लिए जरूरी ऑपरेशन तो हमें इतला दीजिए, हम करेंगे खुफिया ऑपरेशन। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।